सो हेलो गाइज वेलकम टू माई चैनल और आज मैं लिखे आऊँ मैथमेटिकल रीजनिंग आई एम ओ के सेट सी का सेट सी जो था हमारा थर्टीन ऑफ दिसंबर को थर्टीन दिसंबर को जो था हमारा सेट सी उसका मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट मैं आप पिछले वीडियो में डाल दिया आप देख सकते हो यहाँ पे आई टाप पे अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर नंबर है 16 पे। अब यहाँ पे आता क्वेश्चन सेवन नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टू रहे हैं ठीक ले है, X है तो हमारा आ जाएगा टू बाई थ्री एक्स माइनस फोर बाय सेवन एक्स इक्वल्स टू एट आएगा

126, 126 सिक्स आ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 पे तो अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 17 एक्वल्स टू फोर पॉइंट एट फोर रूट एंड बीवल्स टू फोर पॉइंट फोर वन रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी b तो अब यहाँ पे 4.84, 4.84 मतलब हमारा 4.84 एक बार के लिए देते हैं दे 4.84 एट फोर का हमारा फोर है 4.84 का रूट कितना आता है ट्वेंटी टू आता है तो हम क्या करेंगे इधर टू पॉइंट टू कर देंगे तो टू पॉइंट टू हमारे यहाँ आता है और बी की वैल्यू ए इक्वल्स टू आते हैं और बी की वैल्यू अब कितनी आ जाएगी कि हमारी फोर पॉइंट फोर वन फोर फोर्टी वन मतलब हमारी आ जाएगी टू पॉइंट वन टू पॉइंट वन आ जाएगी अब क्या करना है हमको इनको एड करके इनको माइनस करके इनको डिवाइड करना है तो टू पॉइंट टू प्लस टू पॉइंट वन कितना होता है फोर पॉइंट थ्री तो आप आ जाएगा फोर पॉइंट थ्री इनको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा जीरो पॉइंट वन तो, तो यहाँ से पॉइंट पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया तो 43 आ गया आंसर तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 पर तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 18 वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ पीपल प्लस क्यू के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू माइनस ए प्लस बी इज अब यहाँ पे क्या हो रहा है पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब यहाँ पे इसमें हम लगाएंगे आइडेंटिटी आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली तो हम क्या करेंगे इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई अब यहाँ पे, पे ये आइडेंटिटी बनती है तो हम क्या करेंगे पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर अब यहाँ पे हम क्या करेंगे पी प्लस क्यू वाली है, इसको हम एक्स मान लेते इसको हम वाई मान लेते तो हम क्या करेंगे पी प्लस क्यू जो हमारी ये आइडेंटिटी बनेगी ये वाली वैल्यू रखना हूँ यहाँ पे पी प्लस क्यू माइनस पी प्लस क्यू माइनस ए माइनस बी फिर यहाँ पे आएगा पी प्लस क्यू पी प्लस क्यू यहाँ पे पी प्लस क्यू और फिर आएगा यहाँ पर प्लस ए माइनस बी तो अब यहाँ पे ये हमारी बन रही है ये हमारी बन रही है तो हम क्या करेंगे इसमें तो अब यहाँ पे प्लस करके ये वाली भी लिख देता हूँ हम प्लस पी प्लस क्यू माइनस ए प्लस बी तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी आगे वाली तो अब यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इस फर्स्ट वाले को सिंप्लीफाई करते हैं तो पे आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस ए प्लस बी ये हमारी इसकी आ रही वैल्यू फिर नेक्स्ट वाले यहाँ की आती है p प्लस क्यू प्लस ए माइनस बी ये सेकेंड वाले की आ रही है फिर यहाँ पे इसकी हमारी वैल्यू ये रहेगी तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस आ, प्लस पी प्लस क्यू यहाँ पे प्लस पी प्लस क्यू माइनस ए प्लस बी थी। ठीक है ये हमारी वैल्यू आती है तो अब ये और ये हमारा लास्ट वाला जो हमारा ये ये हम पूरा का पूरा सेम है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे तो अब यहाँ पे आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस ए प्लस बी हमारा जो कॉमन आ रहा है इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा p प्लस क्यू प्लस ए माइनस बी और यहाँ पे आ जाएगा प्लस वन तो अभी कॉमन आया तो हमारा ये वाला पूरा एक ब्रैकेट बन जाएगा तो ये एक ब्रैकेट में और ये अलग तो हमारा इसमें कौन सी चीज कॉमन दिख रही है हमको ये वाली चीज ऑप्शन में आ रही है ये वाली चीज ऑप्शन में आ रही है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है बढ़ते क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पर अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन बास्केट ऑफ फ्रूट दे रहा है सेवन एप्पल्स ट्वेल्व ऑरेंजेड नाइन पॉमिक्रानेट्स फ्रूट इज टेकन आउट फ्रॉम द बास्केट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फ्रूट इज़ नॉट एन ऑरेंज ऑरेंज नहीं है ये हमको फाइन करना है कि वो एक फ्रूट जो है वो ऑरेंज नहीं हो तो हमारी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला uh, क्या होता है नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स तो हमारे नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे तो हमारे नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स होंगे नॉट एन ऑरेंज मतलब ऑब्वियसली वो ऑरेंज नहीं होगा तो हमारे टोटल कितने ये फाइन कर लेते सेवन प्लस ट्वेल्व प्लस नाइन तो होंगे हमारे सेवन प्लस ट्वेल्व नाइनटीन नाइनटीन प्लस नाइन ट्वेंटी एट तो ट्वेंटी एट आ जाएगा नीचे और यहाँ पे ऊपर कितना आएगा हमारा नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स होंगे सिर्फ सेवन प्लस नाइन क्योंकि ट्वेल्व वाला हमारा मानेंगे ही नहीं क्योंकि वो ऑरेंजेस में आ रहे हैं तो ऑरेंजेस हम उनको चाहिए ही नहीं वो फेवरेबल आउटकम्स आएगा नहीं तो यहाँ पे आ जाएगा सेवन प्लस नाइन सिक्सटीन तो यहाँ पे टू से कट जाएंगे तो यहाँ आएगा फोर्टीन और ये आ जाएगा एट अब यहाँ पे एट आ रहा है अब यहाँ पे वापस काट दें इसको सेवन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा फोर तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा फोर बाय सेवन तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है बढ़ते क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे तो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइंड द वैल्यू ऑफ जी इन द गिवन इक्वेशन यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है इसमें हमको जी की वैल्यू निकालनी है ये वाला जो जी दे रखा है हमको तो हम यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करेंगे सॉल्व uh, करते जाएंगे तो यहाँ पे वन बाय को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा फाइव जी बाय थ्री माइनस इलेवन बाय ट्वेल्व प्लस सेवन बाई एट इक्वल्स टू अब यहाँ पे आएगा सेवन बाय फोर जी सेवन बाय फोर जी माइनस सेवन बाय एट ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन इक्वेशन हमारी क्या आएगी अब यहाँ पे थ्री ट्वेल्व और एट थ्री ट्वेल्व एट एट में हमारा एलसीएम क्या आएगा ट्वेंटी फोर आएगा तो हमारा ट्वेंटी फोर एलसीएम आएगा तो इसको हम इस ट्रम को एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा फोर्टी जी बाय फोर्टी जी माइनस ट्वेंटी टू प्लस ट्वेंटी वन बाय हमारा कितना आ जाएगा ट्वेंटी फोर आ जाएगा इक्व अब यहाँ पे कितना एलसीएम आएगा एट आएगा यहाँ पे आ जाएगा फोर्टीन Z माइनस सेवन बाय एट तो ये हमारा आ गया फोर्टीन जी माइनस सेवन बाई एट तो अब यहाँ पे एट यहाँ पे गया और यहाँ पे थ्री आ गया अब यहाँ पे हम क्या करेंगे थ्री को उधर ले जाएंगे थ्री को उधर ले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में तो आ जाएगा फोर जीरो फोर्टी जी माइनस ट्वेंटी टू प्लस ट्वेंटी वन की वैल्यू फोर्टी जी माइनस वन फोर्टी जी माइनस वन की वैल्यू फोर्टी जी माइनस वन आ जाएगा फिर यहाँ पे आ जाएगा फोर्टी जी माइनस वन इक्वल्स टू वन फोर्टीन जी माइनस सेवन को हम थ्री से मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्टी टू जी माइनस ट्वेंटी वन तो यहाँ पे आ जाएगा ये वैल्यू आ जाएगी तो हम क्या करेंगे हम फोर्टी जी को उधर लेके चले जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन प्लस ट्वेंटी वन इक्वल्स टू टू जी माइन टू जी इक्वल टू टू जी आ रहा है अब यहाँ पे माइनस वन प्लस ट्वेंटी वन आ जाएगा ट्वेंटी ट्वेंटी इक्व टू टू जी और यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी टेन आ जाएगी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है बढ़ते क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पर अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द गिवन एक्सप्रेशन इन यूजुअल फॉर्म अब यहाँ पे हमको ये एक्सप्रेशन दे रखा है अब यहाँ पे हमको इसको यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है अब यहाँ पे क्या हो रहा है फाइव थाउजेंड इंटू टेन पावर माइनस सेवन जैसे कि हमको दे रखा है तो यहाँ पे कितने तीन जीरो आ रहा है मतलब ये कितना हुआ फाइव इंटू टेन की पावर थ्री तो टेन की पावर थ्री को अगर हम टेन की पावर सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर यहाँ पे माइनस सेवन प्लस थ्री हो जाएगी तो हमारी आ जाएगी माइनस फोर तो यहाँ पे आ जाएगा फाइव इंटू टेन की पावर माइनस फोर प्लस हमारी सेवन की पावर सेवन इंटू टेन की पावर माइनस फोर बाय हमारे यहाँ पे कहता है सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस फोर फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे चार जीरो आ रहा है ठीक है चार जीरो आ रहे तो हमारी आ जाएगी एट इंटू टेन की पावर फोर हम माइनस एट प्लस फोर कितना आता है माइनस फोर आता है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस एट इंटू टेन की पावर माइनस फोर अब क्या करेंगे हम टेन की पावर माइनस फोर कॉमन ले लेते हैं तो पे आ जाएगा नेक्स्ट टेन की पावर माइनस फोर फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में ले लेंगे इसको तो अब यहाँ पे ऊपर हो जाएगा हमारा टेन की पावर माइनस फोर इंटू फाइव प्लस सेवन अब यहाँ पे आ जाएगा नीचे टेन की पावर माइनस फोर यहाँ पे डिवाइड 10 तो टेन की पावर माइनस फोर यहाँ पे आ जाएगा सिक्स प्लस एट सिक्स प्लस एट आ जाएगा तो यहाँ पे टेन की पावर माइनस फोर से टेन की पावर माइनस फोर कट यहाँ पे फाइव प्लस सेवन बाई सिक्स बाई एट आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा ट्वेल्व फोटीन ट्वेल्व बाई फोर्टीन आ जाएगा तो यहाँ पे सेवन और यहाँ पे सिक्स सिक्स बाई सेवन हमारा आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू पर तो अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू एट एक्ससी इक्ल्स टू टू एंड वाई इक्ल्स टू माइनस वन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अभी यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन दे रखी है जिसका हमको प्रोडक्ट फाइंड करना है तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे uh, सबसे पहले हमारी एक्स की वैल्यू कितनी है टू है तो अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू टू होगी तो यहाँ हो तो पे ये कितना हो जाएगा एट बाई थ्री मतलब हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं तो आप आ जाएगा टू बाई थ्री इन टू यहाँ पे क्या होगा फोर फोर बाय थ्री एक्स तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू टू आ रही है तो टू उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा एट बाय थ्री माइनस अब यहाँ पे टू टू बाय थ्री वाई तो टू बाय थ्री वाई आ रहा है तो माइनस वाई माइनस वन है तो माइनस वन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस टू बाय थ्री तो प्लस टू बाय थ्री हो जाएगा ये तब तो यहाँ पे प्लस टू बाय थ्री आ रहा है और एंड मतलब इसका हमको प्रोडक्ट फाइंड करना है तो यहाँ पे आंडी लिख रहा हूँ अभी के लिए तो मैं तो टू एक्स टू एक्स हमारा कितना आ जाएगा फोर हो जाएगा एंड फोर माइनस वन आ जाएगा तब तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं तो अब यहाँ पे एट बाय थ्री प्लस टू बाय थ्री होता है टेन बाय थ्री तो यहाँ पे तो आ तो तो जाएगा टेन बाय थ्री इसकी वैल्यू तो यहाँ पर टू बाय थ्री इंटू टेन बाय थ्री टू बाय थ्री इंटू टेन बाय थ्री कितना आता है हमारा ट्वेंटी बाय नाइन तो ट्वेंट तो यहाँ आ जाएगा ट्वेंटी बाय नाइन इंटू हमको फोर माइनस वन करना है तो इंटू आ जाएगा फोर माइनस वन तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ट्वेंटी बाय नाइन इन थ्री तो थ्री से ये कट के थ्री आ जाएगा तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्वेंटी बाय थ्री आंसर अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री पर आ रहे नंबर ट्वेंटी थ्री टीवी वर्थ रुपीज सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड इज ऑफ फॉर सेल एट रूपीज फोर थाउजेंड एट हंड्रेड वट परसेंट डिस्काउंट इज ऑफ द सेल हमें सेल के टाइम पे कितना परसेंट डिस्काउंट हमको ऑफर किया ये हमको फाइंड करना है सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड का टीवी हमको ऑफर किया 4, 7, 4, 2, तो 2, दिस्काँट है फोर थाउजेंड एट हंड्रेड में सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड माइनस फोर थाउजेंड एट हंड्रेड जो होगा टू थाउजेंड फोर हंड्रेड तो टू थाउजेंड फोर हंड्रेड हमारा डिस्काउंट है डिस्काउंट है तो हमारा फॉर्म हमको क्या करना पड़ेगा टू थाउजेंड फोर हंड्रेड माइनस सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड इन टू हंड्रेड हमारा डिस्काउंट परसेंट होगा तो हम क्या करेंगे यहाँ दो ज़ीरो से दो जीरो कट तो यहाँ पर आ जाएगा टू टू थाउजेंड फोर हंड्रेड बाय सेवेंटी टू तो हम क्या करेंगे uh, इसको काट दें इसको काट देंगे ट्वेल्थ से तो ट्वेल्थ से काट देंगे तो आ जाएगा सिक्स और यहाँ पर आ जाएगा टू हंड्रेड तो सी हम यहाँ पर हंड्रेड और यहाँ पर आ जाएगा थ्री तो हंड्रेड बाय थ्री आ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है बढ़ते क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पर अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज वन फिफ्टी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर इफ हाइट ऑफ द सिलेंडर इज थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स वॉल्यूम अब यहाँ पे हमको बोल रहे हैं कि कर्व सर्फेस एरिया हमारे सिलेंडर का क्या है वन फिफ्टी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर तो कर्व सर्फेस तो सी एस ए जो हमारा कर सर्फेस एरिया है वो हमारा वन फिफ्टी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर वन फिफ्टी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर जिसका फॉर्मूला होता है हमारा टू पाई आर एच तो टू इसका फॉर्मूला होता है तो हम क्या करेंगे अब इसका एच कितनी है थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तो यहाँ so, पे आएगा थ्री पॉइंट फाइव इक्वल टू वन फिफ्टी फोर ये हमारी, तो हमारी, तो हमारी वैल्यू आ रही है अब क्या करेंगे हम जो हमारी ये वाली वैल्यू सारी इधर ले जाएंगे सिवाय के आर के तो हम क्या करेंगे आर इक्वल्स टू वन फिफ्टी फोर बाय टू इंटू ट्वेंटी टू इंटू थ्री पॉइंट फाइव और यहाँ आएगा ऊपर इन, इंटू सेवन अब यहाँ पे क्या होगा पॉइंट uh, हट right के यहाँ जाएगा इंटू टेन इंटू टेन आएगा तो थर्टी फाइव से ये कट के आ जाएगा फाइव uh, ओके यहाँ पे ये वन हो जाएगा अब यहाँ पे टेन से कटेगा टेन से टू uh, से कट के टेन हो जाएगा फाइव और यहाँ पे हो जाएगा वन और यहाँ पे आप क्या करेंगे ट्वेंटी टू को वन फिफ्टी फोर से काटेंगे तो ट्वेंटी टू को वन फिफ्टी फोर से करेंगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा सेवन और फाइव को फाइव से काट देंगे तो ये भी हमारा वन वन आ जाएगा तो हमारा ऑप्शन तो हमारा आर कितना आ रहा है आर तो हमारा आ रहा है आर इक्वल्स टू सेवन तो आर सेवन आ रहा है अब यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है इसका वॉल्यूम फाइंड करना है वॉल्यूम कितना होता है वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच तो हमारा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच होता है तो यहाँ पर आएगा वॉल्यूम इक्व टू ट्वेंटी टू सेवन आर स्क्वायर अब आर कितना है सेवन है सेवन का स्क्वायर कितना होता है फोर्टी नाइन तो फोर्टी नाइन इंटू थ्री पॉइंट फाइव अब यहाँ पे इंटू थ्री पॉइंट फाइव आ रहा है तो हम क्या करेंगे इसका यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे और बाय में क्या करेंगे इंटू टेन तो आप इंटू टेन डाल देंगे फिर यहाँ पे सेवन यहाँ पे कटा ये फाइव हो गया फिर हम क्या करेंगे टेन यहाँ पे फ़ाइव हुआ फिर यहाँ पे इलेवन हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा फ़ाइव से फाइव कट फिर यहाँ पे इलेवन इंटू फोर्टी नाइन आंसर आ जाएगा इलेवन इंटू फोर्टी नाइन इंटू फोर्टी नाइन कितना होगा फाइव थर्टी नाइन फाइव थर्टी नाइन आ रहा है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी तो बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव पर अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव सिंपलीफाई थ्री पॉइंट सिक्स फाइव इन टू पॉइंट थ्री फाइव प्लस थ्री प्लस थर्टी सिक्स पॉइंट टू इंटू ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव बाय जीरो पॉइंट टू फाइव अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर टू पॉइंट थ्री फाइव और ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव है तो ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव क्या लिख सकते हैं टू पॉइंट थ्री फाइव टेन लिख सकते हैं तो अब यहाँ पे एक बार के देखते हैं थ्री पॉइंट सिक्स फाइव टू पॉइंट थ्री फाइव प्लस थर्टी सिक्स पॉइंट टू इंटू टू पॉइंट थ्री फाइव इंटू टेन आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे बाय आ जाएगा जीरो पॉइंट टू फाइव अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे टू पॉइंट थ्री फाइव हमारा कॉमन में ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टू पॉइंट थ्री फाइव ये कॉमन में लिया टू पॉइंट थ्री फाइव थ्री पॉइंट सिक्स फाइव प्लस थ, अब यहाँ पे आ जाएगा थर्टी सिक्स पॉइंट टू थर्टी सिक्स पॉइंट टू इंटू टेन बचेगा यहाँ पे क्योंकि ये तो कॉमन में चला गया तो थर्टी सिक्स पॉइंट टू इंटू टेन कितना होता है थ्री सिक्सटी टू तो यहाँ पे, पे आ जाएगा प्लस थ्री सिक्सटी टू बाई जीरो पॉइंट टू फाइव स्टिल अब यहाँ पे ये तो रह गई अब यहाँ पे क्या करेंगे थ्री पॉइंट सिक्स फाइव प्लस थ्री सिक्सटी टू थ्री सिक्स इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा थ्री सिक्सटी फाइव पॉइंट सिक्स फाइव अब ब्रैकेट यहाँ पे भी लगेगा यहाँ पे लगाना रह गया था तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री सिक्सटी फाइव पॉइंट सिक्स फाइव तो यहाँ पे आ जाएगा टू पॉइंट थ्री फाइव थ्री सिक्सटी फाइव पॉइंट सिक्स फाइव अब यहाँ पे ये रहेगा बाय 0.25 अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इसमें पॉइंट्स हटा देंगे इसके और यहाँ पे तो अगर हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारा तो बढ़ते हैं अब नंबर ट्वेंटी सिक्स तो अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द टॉप व्यू ऑफ द गिवन फिगर अब यहाँ पे गिवन फिगर का टॉप व्यू फाइंड करना है टॉप व्यू फाइंड करना है अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमको एक दो तीन 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 ब्लॉक्स दिखेंगे और ये वहाँ पे देखेंगे एक दो तीन चार चार दिखेंगे तो चार और तीन चार और तीन किस में दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में दिख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन पर सब यहाँ पे आते हैं मीडियन और मोड मीडियन और मोड निकालना है, निकालना है? Okay, अब पे सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करते हैं तो यहाँ पे आएगा टू टू दो यहाँ पे थ्री थ्री के बाद यहाँ पे आ जाएगा फाइव फिर वापस आएगा फाइव फिर आएगा सिक्स फिर आएगा सेवन सेवन और सेवन अब यहाँ पे मिडल में कौन सा नंबर दिख रहा है यहाँ पे चार छोड़े यहाँ पे चार छोड़े और यहाँ पे बीच में आ रहा है five. Five हमारा क्या आ रहा है मीडियन आ रहा है ठीक है अब यहाँ पे मोड मोड हमारा क्या आएगा मोड हमको फाइंड करना है अब मोड जो आता है वो होता है सबसे ज्यादा अकरिंग नंबर वो आता है सेवन आ रहा है क्योंकि सेवन तीन बार अकर आ जाएगा आंसर और सेवन जो है ऑप्शन नंबर बी बढ़ते क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट पर अब यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्यूब्स ऑफ थ्री डिफरेंट नंबर टू फाइव सिक्स तीन अलग अलग क्यूब्स हैं एंड तीन अलग अलग नंबर्स के क्यूब्स हैं जिनका समार है हमारा फोर टू फाइव सिक्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग द देम इफ़ द नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ फोर एस टू फाइव एस टू सेवन इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमको फाइंड करना है जो 4 है फोर वाला है और अगर रेशियो होगा फोर एस टू फाइव एस टू सेवन हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं फोर एस टू फाइव एज टू सेवन में फोर एक्स फाइव एक्स और सेवन एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं इसको तो यहाँ पे फोर एक्स फाइव एक्स सेवन एक्स हो गया अब यहाँ पे हमको क्या बोल रहे हैं इन तीनों के क्यूब का एडिशन है फोर टू फाइव सिक्स तो हम यहाँ पे कर देंगे फोर एक्स का होल क्यूब प्लस फाइव एक्स का होल क्यूब प्लस यहाँ पे आ जाएगा सेवन एक्स का होल क्यूब इक्वल्स टू फोर टू फाइव सिक्स अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व हैं तो फोर एक्स का होल क्यूब फोर एक्स का होल क्यूब क्या आ जाएगा हमारा सिक्सटी फोर एक्स क्यूब फिर यहाँ पर आ जाएगा वन ट्वेंटी फाइव एक्स क्यूब फिर यहाँ पर आ जाएगा थ्री फोर्टी थ्री एक्स क्यूब फिर यहाँ पे एकवल्स टू फोर टू फाइव सिक्स और यहाँ पर नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे सिक्सटी फोर प्लस वन ट्वेंटी फाइव कितना होता है वन एटी नाइन वन एटी नाइन प्लस थ्री फोर्टी थ्री होता है हमारा फाइव थर्टी टू तो यहाँ पर जाएगा फाइव थर्टी टू एक्स क्यूब इक्वल्स टू फोर टू फाइव सिक्स फिर यहाँ पर हम करेंगे एक्स क्यूब इक्वल्स टू फोर टू फाइव सिक्स अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप लिख रहे थे वही रेज हो गया तो हम यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स क्यूब इक्वल्स टू फोर टू फाइव सिक्स बाय फाइव थर्टी टू ये हम लिखेंगे फिर अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर फाइव थर्टी टू से कट करने के बाद यहाँ पे आंसर आ रहा है एट तो यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब इक्ल्स टू एट आ गया तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे क्यूब रूट लगा देंगे क्यूब कट हो तो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स इक्ल्स टू टू आंसर अब यहाँ पे एक्स टू आ रहा है पर यह हमारा फोर क्या था फोर एक्स था ये सबसे छोटा नंबर है तो फोर इन टू एट टू कितना होता है एट होता है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा एट अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन पर अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन और अभी यहाँ पे हमको ये पूरी टर्म दे रखी है इसको हमको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे इसमें भी ये वाला ब्रैकेट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं इस वाले ब्रैकेट में फिफ़्टी टू बाय फोर्टी फाइव इंटू सेवेंटी फाइव बाय सेवेंटी एट प्लस फोर्टीन बाय फिफ्टीन इंटू अब यहाँ पर फिफ्टी सेवन बाय सेवेंटी सेवन डिवाइडेड बाय नाइनटीन इंटू ये मल्टीप्लाई में चेंज होकर रेसिप्रोकल आ जाएगा हो जाएगा फिफ्टी सेवन बाय सेवेंटी सेवन इंटू इलेवन बाय नाइनटीन फिर यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय वन इंटू नाइन नाइन सेवनटीन बाय नाइन पर आ जाएगा सेवेंटीन बाय नाइन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे अब यहाँ पे हम इन चीज़ों को कट करेंगे अब यहाँ पे सबसे पहले फिफ्टी टू और सेवेंटी एट थर्टीन से कट हो रहे हैं थर्टीन से कट हो रहे हैं तो अब यहाँ पे क्या आएगा फोर आएगा ये कट के फोर हो जाएगा और ये हमारा कट क्या हो जाएगा सिक्स तो ये आ जाएगा अब यहाँ पे 15, 15 से कट हो गया ये फाइव हो जाएगा और यहाँ पे ये थ्री हो जाएगा और यहाँ ये फोर और सिक्स भी कट हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टू और यहाँ पे हो जाएगा थ्री तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट हम क्या करेंगे फिफ्टी सेवन और 19 को कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा थ्री ये बचेगा वन फिर ये आ जाएगा सेवन या जाएगा वन और यहाँ पे ये थ्री और यहाँ पे ये फिफ्टीन भी कट जाएंगे तो बाय फाइव हो जाएगा अब यहाँ पे फोर्टीन और सेवन भी कट हो जाएंगे तो जाएगा टू ही हो जाएगा वन अब यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या करेंगे uh, सीधा इसको लिखते हैं तो यहाँ पे यहाँ पे ब्रैकेट आएगा फिर यहाँ पे हो जाएगा टेन बाय नाइन फिर यहाँ पे टेन बाय नाइन प्लस अब यहाँ पे क्या है हम इसको सीधा मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो टू इंटू हमारा वन ही रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस टू बाय अब यहाँ फाइव इंटू वन इंटू वन कितना फाइव ही आता है तो हमारा आ गया टेन बाय नाइन प्लस टू बाई फाइव ये हमारा एक ब्रैकेट आ गया फिर डिवाइडेड बाय आ जाएगा सेवनटीन बाय नाइन तो हम इसको सॉल्व करेंगे टेन बाय नाइन और टू बाय फाइव अब नाइन और फाइव का हमारा एलसीएम निकालेंगे एलसीएम आएगा हमारा फोर्टी फाइव तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे नाइन को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी फाइव से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट फिफ्टी प्लस अब यहाँ पे फोर्टी फाइव आएगा तो यहाँ पे नाइन से करेंगे तो एटीन तो यहाँ पर आ जाएगा एटीन बाय फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाय सेवनटीन बाय नाइन अब यहाँ पे फिफ्टी प्लस एटीन कितना होता है सिक्सटी एट सिक्सटी एट बाई फोर्टी फाइव आ रहा है अब यहाँ पे नेक्स्ट में मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिक्सटी एट बाय फोर्टी फाइव अब यहाँ पे डिवाइडेड बाय सेवनटीन बाय नाइन लिखा है अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे इसको मल्टीप्लाई में चेंज करके नाइन बाय सेवनटीन कर देंगे तो आप आ जाएगा नाइन बाय सेवेंटीन अब यहाँ पे एक कट हो रहा है तो आ जाएगा वन या आ जाएगा फाइव फिर यहाँ पे सेवनटी सेवेंटीन वाली टर्म भी कट हो रही है तो यहाँ पे आ जाएगा वन यहाँ पे आ जाएगा फोर तो यहाँ पे आ जाएगा फोर बाय फाइव आंसर तो यहाँ पे आ रहा है फोर बाय फाइव आंसर तो अब यहाँ पे फोर बाय फाइव ऑप्शन नंबर बी है अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी पे अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर थर्टी स्टडी द डबल बारोग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज अब यहाँ पे आता है uh, अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा आ रहा है अब बारोग्राफ में ये हमारा जो वाइट वाला है वो एक्स है और जो ग्रे वाला है वो वाई है अब यहाँ पे वाइट वाला है अब इसमें हम क्या करेंगे वैल्यूज लिख देते हैं ये फोर है इसमें हमारी सिक्स आ रही है वैल्यू इसमें आ रही है फाइव और इसमें आ रही है फोर फिर इसमें आ रही है फोर फिर इसमें आ रही है सेवन फिर इसमें आ रही है फोर फिर इसमें आ रही फाइव फिर इसमें आ रही है थ्री और इसमें आ रही है टू तो अब हम क्या फाइंड करेंगे

22 प्लस 2 24 आप आजाएगा 24 ये 2 से कट कटोगे 10, 12, 5 और ये 6 फिर यहाँ पे 5 और 6 आ रहे तो आंसर आ जाएगा 5 इस तो टू 6 जो ऑप्शन नंबर डी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 एक्स वेरिएज डायरेक्टली एज वाय देन फाइंड द वैल्यू ऑफ

तो हमारा आएगा फोर थर्टी टू बा नाइन ये हम कट कर देंगे नाइन फोर जो थर्टी सिक्स तो यहाँ पर थर्टी सिक्स और सेवन बचा सेवेंटी टू तो नाइन एट जो सेवेंटी टू फोर्टी एट आ रहा है ए वन तो ए वन क्या आ रहा है हमारा ए वन इक्वल्स टू फोर्टी एट फिर हम फाइंड करेंगे ए टू अब यहाँ पर ए टू में हमको क्या करना पड़ेगा सिक्सटीन को नाइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिक्सटीन इन नाइन कितना होता है हमारा वन फोर्टी फोर होता है तो आ, हमारा ए टू कितना आएगा ए टू आएगा वन फोर तो हमारा जो इनका सम होगा ए वन प्लस ए टू वो हो जाएगा वन नाइनटी टू तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है बढ़ते क्वेश्चन नंबर थर्टी टू पर अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलिगन ईच एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर ऑफ सिक्सटी डिग्री इज अब यहाँ पे एक रेगुलर uh, पॉलीगन uh, है जिसमें मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर आ रहा है सिक्सटी डिग्री तो उसका हमारा टोटल नंबर ऑफ साइड्स है वो कितने आई तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर ई एक्सटी एंगल एक्सटीरियर एंगल इन एन एक्सटीरियर एंगल और एन एन में होता है हमारा नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू थ्री सिक्सटी तो अगर हम ये करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना आ रहा है सिक्सटी आ रहा है तो सिक्सटी इन एन कितना था सिक्सटी एन इक्वल्स टू थ्री सिक्सटी तो आप आ जाएगा एन इक्वल्स टू थ्री सिक्सटी बाई सिक्सटी फिर यहाँ पे ज़ीरो से जीरो कर ये यहाँ पे सिक्स आ गया तो एन इक्वल्स टू सिक्स आ गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री पर अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर इन द द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू टू स्केल इफ इफ एल एल इज एम देन फाइंड वैल्यू ऑफ वाई अब यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे जो ये वाला एंगल हमको दे रखा था टू एक्स प्लस थ्री वाला अब यहाँ पे अगर ये वाला एंगल ये है तो हमारा ये वाला एंगल भी सेम ही होगा टू एक्स प्लस थ्री होगा अगर ये हमारा ये वाला एंगल है तो हमको कभी भी ये वाले जो ये शेप वाले एंगल होते हैं मतलब जेड शेप थोड़ा जेड शेप वाले जो एंगल आते हैं उनमें कभी भी ऐसा होता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है हमेशा सेम होता है तो हमारा क्या हो जाएगा ये भी हो जाएगा वाई वाई क्या हो जाएगा वाई इक्वल्स टू टू एक्स प्लस थ्री ठीक है टू एक्स प्लस थ्री हो जाएगा ये अब क्या करेंगे हम इन दोनों का एडिशन कितना इक्वल होता है वन एटी डिग्री का इक्वल होता है तो हम क्या करेंगे टू एक्स प्लस थ्री प्लस थ्री एक्स माइनस एट इक्वल्स टू वन एटी अब यहाँ पे करेंगे फाइव एक्स माइनस फाइव इक्व टू वन एटी फिर हम यहाँ पे आ जाएगा फाइव एक्स इक्स टू वन एटी फाइव फिर यहाँ पे आ जाएगा एक्स इक्ल्स टू वन एटी फाइव बाई फाइव फिर यहाँ पे आ जाएगा थ्री जो फिफ्टीन तो यहाँ पे आ जाएगा थर्टी फाइव तो आ जाएगा सेवन तो यहाँ पे आ जाएगा थर्टी सेवन तो अब थर्टी सेवन आ रहा है थर्टी सेवन आ रहा है तो हमको एक्स की वैल्यू पुट आउट करके देखनी है मैं अब टू एक्स प्लस थ्री में वैल्यू रख के देखनी है थर्टी सेवन आ रहा है ठीक है अब यहाँ पे थर्टी सेवन आ रहा है तो हम क्या करेंगे टू इंटू थर्टी सेवन टू एक्स प्लस थ्री प्लस थ्री तो हमारा टू इंटू थर्टी सेवन कितना आता है सेवन सेवनटी फोर प्लस थ्री कितना सेवनटी सेवन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बढ़ते क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर पर अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स एटलीस्ट वन लाइन सिमेट्री इन द गिवन वर्ड अब यहाँ पे पूरा जो हमको वर्ड दे रखा है इनमें ऐसे कितने हैं फिगर्स जिनमें एटलीस्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो तो अब यहाँ पे कितने फिगर्स होंगे एक तो ई e भी होगा ई e में अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे वन लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी ये भी यहाँ पर एक्स में बीच में भी बनेगी दो फिर ए में भी बनती है यहाँ पर तीन एम में भी बनती है चार एक दो तीन चार पाँच पाँच हो गई हमारी एन में नहीं होती हमारी एन में बिल्कुल नहीं होती तो अब यहाँ पर पाँच तो यूँ और है फिर ये छः फिर ये आ गई सात फिर ये आठ फिर ये नौ और यहाँ पे एन वापस आ रहा है जिसमें नहीं होती है तो हमारे क्या आंसर चाहिए नाइन तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है बढ़ते हमारे क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव पर अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम पैरलोग्राम साइड ए बी इज ट्वेंटी सेवन सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे ए बी ए बी हमारी साइड है वो कितनी है ट्वेंटी सेवन सेंटीमीटर इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरल साइड ए बी एंड डी सी इज एट सेंटीमीटर मतलब ए बी और डी के बीच में कितना एट सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो फाइंड करना है हमको एरिया ऑफ द शेडेड रीजन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सबसे पहले तो हमको ए बी हमको ट्वेंटी सेवन दे रखा अब यहाँ पे हमको जो डिस्टेंस बता रहे हैं पैरल साइड में ए बी और डी सी में वो है एट सेंटीमीटर तो हमारी ई से जो हमारी लाइन बनेगी ये भी हमारी एट सेंटीमीटर होगी तो हमारा ये भी एट आ गया अब यहाँ पे हमको क्या फाइन करना है एरिया ऑफ़ द शेडेड रीजन शेडेड रीजन कौन सा ये मतलब ये वाला जो है ये हमारा शेडेड रीजन है सबसे पहले तो पूरे के पूरे पैरलेलोग्राम का अब यहाँ पे बना तो रेक्टेंगल रखा है बट वो बोल रहा है क्वेश्चन में पैरेले है तो पैरलेलोग्राम वाला हम एरिया लगाएंगे एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है हाइट इंटू बेस हाइट हमारी कितनी आ रही है एट आ रही है बेस आ रहा है ट्वेंटी सेवन जो हमारा एरिया आता है वो आता है एरिया ऑफ पैरेलोग्राम तो एरिया इक्वल्स टू एच इन टू बी तो हम यहाँ पे आता है इक्वल्स टू अब यहाँ पे एरिया इक्वल्स टू हमारा एटीन टू जाता है एटीन टू ट्वेंटी सेवन तो यहाँ पे एटीन टू ट्वेंटी सेवन कितना आ जाता है एटीन टू ट्वेंटी सेवन आ जाता है टू वन सिक्स एक टू ट्वेंटी सेवन मतलब लिखने की जरूरत नहीं थी है तो आंसर हमारा कितना आ रहा है टू वन सिक्स आ रहा है मतलब सिर्फ ये तो हमारे पूरे का ही आ रहा है एट टू वन सिक्स हमको तो ये जो ट्र ट्राइंगल है इसका हमको एरिया माइनस करना है इसमें से मतलब ट्राइंगल का फॉर्मूला हम क्या हमारा कितना आता है हाफ इन टू हाइट इं टू बेस हमारा हाइट कितनी आ रही है एट आ रही है बेस आ रहा है ट्वेंटी सेवन तो हम क्या करेंगे हाफ इंटू ट्वेंटी सेवन इंटू एट तो हमारा ट्वेंटी सेवन इंटू एट टू वन सिक्स था तो हम टू वन सिक्स इंटू हाफ कर देंगे तो टू वन सिक्स इंटू हाफ कितना हो जाएगा वन जीरो एट तो टू वन सिक्स माइनस वन जीरो एट आ रहा है वन जीरो एट तो हमारा आंसर आ जाएगा वन जीरो एट जो है ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग. ये था आई एम ओ के सेट सी का जो हुआ था थर्टीन दिसंबर को उसका था ये मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट अगले वाले में वीडियो में लेके आ रहा हूँ मैं अचीवर सेक्शन और एवरी डे मैथमेटिक्स स्टेट यून पिछला वाला वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो प्ले देख सकते हो थैंक यू वॉचिंग सब्सक्राइब